राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मंगलवार को करौली दौरे पर रहीं। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सबसे पहले कैला देवी माता के दरबार में पहुंचकर ढोक लगाई और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वसुंधरा राजे 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के दिन बाइक रैली के दौरान हुई हिंसा में पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। इसके बाद राजे ने घटनास्थल पर पहुंचकर आगजनी में हुए नुकसान का जायजा लिया, फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से घटना की समीक्षा कर मीडिया से रूबरू हुई। मीडिया से मुताबिक होते हुए राजे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद कांग्रेस अपने आप ही देश से मुक्त हो रही है। जिस प्रकार करौली में हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली के दौरान हुए उपद्रव पर कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जो निंदनीय है। क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अस्पताल में जाएंगे तो कोई आके हमको उठा के जेल के अंदर बंद कर देगा। कुछ कुछ लोगों के टांके आए हैं, किसी के 60 टांके, किसी के 50 टांके, किसी के चाकू भुका हुआ है। ऐसे तो स्थिति है उनकी, और फिर भी वो वहां रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको उठा के जेल में बंद कर देगा। ये किस किस्म का न्याय है? और यहाँ जब आप बात करो तो आपके मुख्यमंत्री जी मैंने अपने बयान दे रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी की गलती है, होम मिनिस्टर की गलती है, या आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती है। अरे भाई, किसकी गलती है हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि जो राज्य चला रहा है, जो जिसका प्रशासन है, जिम्मेदारी उसकी है। और इधर उधर देखने के बजाय वो अपने बैठ के और तय ये कर लें कि जहां गड़बड़ हुआ है सही आदमी को सही टाइम पे अगर पकड़ के बंद नहीं किया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा तो फिर दंड देने का कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से छोटी साजड़ी के एक कैसुंदा गांव, भाजपा का झंडा वहां लगाया हुआ, वहां कार्यकर्ता की हत्या कर दी। ये तो सुनने वाली लाई की घटनाएं नहीं है। बाकी 144 के माध्यम से हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। मैं तो समझती हूँ कि हिंदुओं के त्योहार पे जब भी जो भी होता है वो बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो रहा है। रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर शांति हो। हम चाहते हैं कि 36 के 36 बॉम्ब प्यार से एक साथ जिए। लॉ एंड ऑर्डर का घोर फेलियर, इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर, जिला प्रशासन का फेलियर, अब ये सब एक दूसरे के ऊपर से बात को हटाते हुए अपने आप को सेव करते हुए किसी दूसरे के ऊपर ये बात डालने की कोशिश होती है, तो हमेशा हम लोगों ने देखा है। राज्य ने नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के साथ निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की और पीड़ितों को मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, करौली के पूर्व विधायक सुरेश मीना सहित भाजपा के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके बाद वसुंधरा राजे सीधे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की पगड़ी रस्म में शामिल होने के लिए मुड़िया गांव में गई और कर्नल बैसला को श्रद्धांजलि अर्पित की। ईटी भारत के लिए करौली से अवनीश पारासर।